Hello and good evening. This is Mohammad Shahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के लिए एक इंटीग्रेशन. स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटीग्रेशन x square plus cos square x divided by 1 plus x square dx. साथ में cos square x cosec square x dx है. जैसे कि जानते हैं कि आप किस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लेट आई लिखते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर एक कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स, जैसा हमारे पास था. प्लस सेकेंड पार्ट हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर एक्स के साथ हम कोसेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कोसेक स्क्वायर होता है वन बाई साइन, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो उम्मीद करता हूँ ये जो कॉट स्क्वायर एक्स मैंने लिखा ये आपको समझ आया होगा. इसके बाद हम लोग एक बैलेंसिंग इस्तेमाल करेंगे, जिस बैलेंसिंग को आपको समझना होगा. हम लोग को जैसा हम लोग डिनोमेटर देख पा रहे हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, तो हम लोग अगर प्लस कोसेक स्क्वायर और माइनस कोसेक इंट्रोड्यूस करें तो क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर हम इसके साथ प्लस कोसेक स्क्वायर करें तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर कॉमन करने पर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो हम लोगों ने इतना दूर इसे लिख दिया डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा हमारे पास. प्लस अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना दूर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है हम कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर से न्यूमेरेटर से कॉमन करने वाले हैं और बाकी पोर्शन को अलग करेंगे. तो कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन करने के बाद हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर. हमारे पास एक डी एक्स हम लोग यहाँ सेपरेट कर लेते हैं अलग, दूसरा हमारे पास जो बचा कोसेक स्क्वायर एक्स उसको हम लोग अलग करेंगे. अलग इंटीग्रेशन में लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास एक डी एक्स होगा. ठीक है, इन दोनों को पार्ट को देख लिया. प्लस जो लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है हम उसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो ये तीन पार्ट हमारे पास डिवाइड हो चुके हैं. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास वन प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में कैंसलेशन पॉसिबल है. मैंने पैम करके थोड़ा नीचे मूव कर लिया, अब मैं कैंसलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ. देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमेटर और न्यूमेटर से कैंसिल हो जाएगा. तो बच गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं इजीली कर सकते हैं. माइनस करने के बाद मैं इन दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर दे रहा हूँ, चूँकि माइनस बाहर में किया हुआ है इसलिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये जो मैंने एलसीएम किया इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा. माइनस कॉमन करने के बाद ये स्टेप लिखा गया है और आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वन होता है. यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया. देखिए आप लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं कि ये हो जाएगा कॉट एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर न्यूमरेटर वन है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. नेक्स्ट लाइन हमारा होगा कॉट एक्स माइनस हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा टेन बस ऑफ एक्स प्लस सी. दिस इज इट, ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ बहुत ही क्विकली मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है, आप लोगों को समझ में आएगा. इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बाद जब आप इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में इस तरह से सी लिखते हैं तो सी को आप जानते हैं कि वो एक आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इसे लिखना जरूरी है. अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हम आपको जरूर बता दें ये सी आर्बिट्री इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसे मेंशन करना ना भूलें. ना मेंशन करने पर आपके इस क्वेश्चन पर मार्क्स कट सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. एक बार हम लोग चाहेंगे कि दोबारा इस क्वेश्चन को शुरू से देख लें कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया. तो देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था उसमें से जो कोसेक स्क्वायर एक्स वाला टर्म था उसे हम लोगों ने न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया. देख पा रहे हैं आप लोग कोसेक स्क्वायर को मैंने पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो डिवाइड होकर कॉट स्क्वायर उसको फॉर्म करता है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कोसेक स्क्वायर के साथ एक प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और एक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने अगले लाइन में जाके ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद कोसेक स्क्वायर दो जगह इंट्रोड्यूस कर देते हैं. इस इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप कुछ इस तरह से होने वाला है कि हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर से फर्स्ट पार्ट से कॉमन कर लिया, रिमेनिंग पोर्शंस को हम लोगों ने लिख दिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस. और होप कि आपको ये समझ आया होगा. इसके बाद हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर बाय डिनोमेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन को कैंसिल कर दिया है और बाकी बच्चे को एक साथ कॉमन करके बना लिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में.